कॉम्बो सिट्स बास्केट ये क्या है बैग बैग है और ये कॉम्बो चलिए अब आप में से कोई आएगा और इससे बताएगा कि कैसे फिट करना है जिसका हमने सब कुछ क्लासेस किया करना कैसे है आप में से क्या पर्पस के लिए किस पर्पस से यूज होता है तो क्या करते हैं इसमें बैठ बैठा गया इसको कहाँ फिट करते हैं इस कमोड में फिट करते हैं ठीक है और ये इसमें हार्ड वर्क तो होता है ये यहाँ से देखते हैं इसमें पानी आता है इसको ऐसे ही छोड़ोगे तो गिर जाएगा पानी का जैसे ही प्रेशर आएगा क्लिप क्लिप लगा कहाँ क्लिप लगा यहाँ ये नजर आ रहा है आपको ये नजर आ रहा है आप तमाम को ठीक है ये ट्यूब आपने यहाँ से इंसर्ट की फ्रंट से भी कर सकते हैं और आप बैक से भी कर सकते हैं ठीक है दोनों जगह से आप किसी भी जगह से कर सकते हैं इसको यहाँ फिट कर देना ठीक है इसको आपने यहाँ से फिट कर देना इसमें पानी कहाँ से जाएगा हॉट वाटर बैग में जिस तरह से पानी जाता है ठीक है ये उसी तरह का इनलेट बना हुआ है ठीक है यहाँ आप पानी नीम गर्म पानी से डाल सकते हैं नलके से और इसको आईवी कोल पर हैंग कर सकते हैं ठीक है ये क्लिप है आपने पेशेंट बैठा हुआ है उसको यहाँ पर डिप करवाया है उसके रेक्टल एरिया को एनल एरिया को और आपने यहाँ से क्लिप खोल दिया पानी यहाँ पर आएगा और जैसे ही वो ठंडा हो जाएगा आप दूसरा पानी दोबारा यहाँ से खोल सकते हैं फिर बंद कर देंगे ठीक है इसमें क्वांटिटी कितनी है पानी कितना आ सकता है 2 लीटर पानी नहीं रख सकते जी कर सकते हैं देखिए कल तो हम कर सकते हैं आपने डायरेक्ट इसमें भी पानी लिया आप इसे बिठा सकते हैं बड़े टब्स होते हैं नहीं बिठा सकते लेकिन ये स्पेशली इसी पर्पस के लिए है चेंज भी होता रहेगा और कॉन्स्टेंट आपको वार्म वाटर मिलता ही रहेगा ठीक है जितनी भी देर तक वो हील नहीं होता टब की कैपेसिटी कितनी है ठीक है कैपेसिटी आपको हाँ 2 लीटर भी आएगा और आप इसमें कम भी डाल सकते हैं ठीक है और उसके बाद आप यहाँ से रिलीज कर दे रहे मेडिसिन भी ऐड होगी अगर आपकी रेकमेंडेड है जो भी सॉल्यूशन रेकमेंडेड है अगर वो मेडिकेटेड सॉल्यूशन रेकमेंडेड है तो आप वो भी डाल सकते हैं ठीक है पर्पस ये है कि ये आपके पास दो रिसोर्स है डिटोल वगैरह डाल लेते हैं जो डॉक्टर और दुनिया ने अब डेटॉल इस्तेमाल करना छोड़ दिया बायोडीन भी अब नॉट रेकमेंडेड